हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं चीकू के लिए एक नया रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। उसे हम मूंग का चिला बोलते हैं नॉर्थ में, हाँ, और साउथ साइड में उसे मूंग का डोसा बोलते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, खाने का है ना वो रेसिपी? ओके, उसके लिए ये जो मैंने मूंग है एक दिन पहले ही भिगा के रख दिया था और रात में इसे स्प्राउट आने के लिए मैंने रख दिया था। तो अभी इसमें स्प्राउट भी आ गया, तो ये हम मैंने एक्चुअली पूरे फैमिली के लिए लिया था बनाने के लिए। तो इसका बाकी का मैं अपने घर में सब्जी बना लूंगी और थोड़ा सा चीकू के लिए मूंग का चीला बनाने वाली हूँ, और या फिर आप बोल सकते हैं मूंग का डोसा बनाने वाली हूँ। जो उसका बचा हुआ जो पानी था, एक्चुअली जब मैंने मूंग को भिगाया था उसका जो बचा हुआ पानी था वो मैंने फेंका नहीं, उसका 2-4 स्पून मैंने चीकू को पिलाया है, बिकॉज वो आपके बेबी के हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। और इन जनरल आप बड़े भी वो पानी पी सकते हो, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ाता है, और वो आपके हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। वो जर्म्स, बैक्टीरिया, सारी बीमारियों से लड़ने में अपने बॉडी को ताकत देता है। सो आप ट्राई कीजिए, वो पानी फेंके ना, थोड़ा बहुत पानी बहुत बेकार होता है पीने में, बट स्टिल थोड़ा बहुत पीजिए। हम जैसे चाय पीते हैं वैसा थोड़ा सा लेके आप पी सकते हो, है ना चिकू? पी सकते हैं ना? पिया ना? टेस्टी ना? नहीं, नहीं? तो चलो देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाते हैं। वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो ये मैंने धोया हुआ ही है तो इस, और मैंने इसे साफ भी करके ले लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये मैं इसमें ट्रांसफर करके ले रही हूँ चीला बनाने के लिए, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैंने अराउंड इतना ले लिया है चीला बनाने के लिए, और बाकी का जो है वो हमारे फैमिली के लिए मैं सब्जी बना दूंगी। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर ले लिया है, और मैं स्वाद अनुसार थोड़ा इसमें नमक डाल रही हूँ। और यूजुअली हम पिंक सॉल्ट खाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और थोड़ा सा मैं हरा धनिया है जिसे कोतम्बीर भी बोलते हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें, और मैंने ऑलरेडी ऑनियन चॉप करके ले लिया था तो चॉप्ड ऑनियंस डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें, और 1/2 टेबल स्पून से भी बहुत कम मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ जो इसका टेस्ट बढ़ाएगा, और मैं घर का बना हुआ हल्दी डाल रही हूँ। ये हमारे गाँव में बनाया हुआ है, वही मैं चीकू के लिए यूज करती हूँ। ये देसी हल्दी है, और इसे हम पीस देंगे अच्छे से। ये देखिए, और हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा फिर पानी डाल देना है इसमें। पानी आपको इसमें ज्यादा नहीं डालना है, ये ग्राइंड हो जाए वही उतने ही आपको पानी डालना है, उसको थिक रखना है आपको। इन शॉर्ट आप देख सकते हो ये बैटर कितना थिक है, आपको इतना ही थिकनेस रखना है, इससे ज्यादा पतला नहीं करना। अगर इससे ज्यादा पतला करोगे तो आपका डोसा नहीं बनेगा। देखिए कितना थिक है, मेक श्योर यही थिकनेस आप भी फॉलो करिए। पैन ले लिया है, पैन को गैस पे रखा है और गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लिया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा घर का बना हुआ देसी घी डालेंगे, यूजुअली मैं घी घर में ही बनाती हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और मेक श्योर आपके बच्चे को घी खिला रहे हो तो घर का बना हुआ खिलाइए, बाहर का घी ना खिलाइए, बिकॉज उसमें डालडा होता है, वो आपकी बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सो ट्राई कीजिए आप और आपके घर में सब देसी घी ही खाए, घर का बना हुआ। पैन ये थोड़ा गर्म हो चुका है तो अभी हम चीला बनाएंगे। आप छोटा छोटा बनाइए, ये जो हमने बैटर बनाया था वो प्रॉपरली यहाँ पे इससे स्प्रेड कर लेना है, जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे ही आपको ये चीला बनाना है, कुछ अलग नहीं है। ये सॉफ्ट एंड सॉगी बनाना है आपको, क्रिस्पी नहीं बनाना है, क्योंकि आपके बेबी को ये खाने के लिए जमना चाहिए। अगर आप क्रिस्पी बनाओगे तो आपके बेबी को खाने को नहीं होगा। हल्के हल्के से आपको इसको उठा के टर्न करना है और दोनों तरफ से पका के ले लेना है आपको, और सेम ये यहाँ का भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, सेम आपको ये डोसा भी वैसे ही करना है। अगर आपको चाहिए तो बड़े बड़े आप डोसा बना सकते हो इसका।
अभी हमको ये बेबी को सर्व करना है, आप चेक कर सकते हो ये कितना सॉफ्ट है, देखिए ये बहुत सॉफ्ट बना हुआ है और जला भी नहीं है। और ये केचप मैंने घर पे बनाया है, तो अगर आपको चाहिए ये केचप की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए आपको केचप की रेसिपी चाहिए या नहीं। देखिए टेस्टी है, हेल्दी है और आपका बेबी इसे बहुत एंजॉय करेगा। काई, व्हाट इज दिस? केचप खट्टा है, केचप खोते है, टोमेटो खोते है। Yes. अच्छा लगा?